हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में पशु परिचारक मॉडल पेपर फर्स्ट के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, जो पशु परिचारक वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और दोस्तों, जो प्रश्न मैं आपको इस क्लास में पढ़ाऊँगा वो आपको पशु परिचारक एग्जाम में अवश्य दिखने को मिलेंगे, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, भारत को पशु प्लेग मुक्त कब घोषित किया गया था? 28 जून 2007, 28 जून 2009, 28 जून 2011, 28 जून 2015। देखिए, जो भारत को पशु प्लेग मुक्त है वह कब घोषित किया गया था, वो हमारे 28 जून 2011 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सांड के वीर्य का पीएच मान कितना होता है? 4.6, 5.6, 3.8, 6.8। देख, जो सांड होता है उसके वीर्य का पीएच वह कितना होता है, वो हमारे 6.8 होता है। ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। और दोस्तों, अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाके लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशुशाला में पशु बांधने की कौन सी विधि सबसे अच्छी मानी जाती है? पूंछ से पूंछ विधि, पूंछ से सिर विधि, सिर से सिर विधि, सिर से पूंछ विधि, क्या हो जाएगा? देख, जो पशुशाला में पशु बांधने की कौन सी विधि है जो सबसे अच्छी मानी जाती है, वो हमारे पूंछ से पूंछ विधि है जो सबसे अच्छी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कम उम्र के पशुओं के चुनाव में कौन सी विधि सर्वोत्तम मानी जाती है? वंशावशी, सिंह देखकर, शरीर देखकर, ए व बी दोनों, बी और सी दोनों, क्या हो जाएगा? देखिए, जो कम उम्र के पशु होते हैं उनके चुनाव के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम मानी जाती है, वो हमारे बी और सी दोनों विधियाँ सर्वोत्तम मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। जो कम उम्र के पशु होते हैं उनके चुनाव के लिए सींग देखकर और शरीर देखकर दोनों विधियाँ सर्वोत्तम मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? भेड़, बकरी, खरगोश, सुअर। देख, जो अगोरा ऊन है वह किससे प्राप्त होता है, वो हमारे खरगोश से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी खरगोश हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है? पद्मा, सरस, मंगलूम, उर्मूल। देख, जो राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है वह कौन सी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो हमारे पद्मा जो सबसे पुरानी डेयरी है, ऑप्शन नंबर ए पद्मा जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान की प्रथम महिला दूध उत्पादन सहकारी समिति कहाँ पर स्थित है? बिचवाल, भोजसर, लुनक्सर, सूरतगढ़, क्या हो जाएगा? देख, जो राजस्थान की प्रथम महिला दूध उत्पादन सहकारी समिति है वो कहाँ पर स्थित है, वो हमारे भोजसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या देखेगा, नवजात बछड़े को उसके शरीर के कितना भाग खीस पिलाना चाहिए? 1/5, 1/7, 1/20, 1/10। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ये प्रश्न अवश्य आएगा। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए, जो नवजात बछड़े होते हैं उनके शरीर का कितने प्रतिशत खीस पिलाना चाहिए, क्या हो जाएगा? तो वो हमारे 1/10 पिलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेगा, नवजात बछड़े को सर्वप्रथम पिलाया जाता है वो क्या पिलाया जाता है? दूध, दवा, खीस, पोलियो। एक जो नवजात बच्चा होता है उसे सर्वप्रथम हमारे क्या पिलाया जाता है? खीस पिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी खीस जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेगा, बेकार पशुओं को झुंड से हटाना क्या कहलाता है? विनिंग, संकलन, ए व बी दोनों, कलिंग। देख, जो बेकार पशु होते हैं उन्हें झुंड से हटाना क्या कहलाता है, वो हमारे कलिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या देखेगा, पशुओं में स्थायी दांत ज्ञात करने का सूत्र है वह कौन सा है? देख, जो पशुओं में स्थायी दांत ज्ञात करने का सूत्र है वो क्या है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। जो पशुओं के स्थायी दांत ज्ञात करने का सूत्र है वो क्या है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या देखेगा, पशुओं में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20, 25, 30, 32। देखिए, जो पशु में स्थायी दांतों की संख्या है वह कितनी होती है,
वो हमारे 32 होती है। जो पशुओं में स्थायी धातु की संख्या है वो कितनी होती है, 32। ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भेड़ बकरी में अस्थायी धातु की संख्या है वह कितनी होती है, 20, 22, 18, 34। देखो जो भेड़ बकरी में अस्थायी धातु की संख्या है वह कितनी होती है, वो हमारे 20 होती है। ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूर्ण दूध में वसा व SNF की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, 3.25% से 8.5%, 4.25% से 8%, 8.5% से 3.5%, 8% से 4.25%। देख जो पूर्ण दूध में वसा व SNF की मात्रा है वह कितनी पाई जाती है, वो हमारे 3.25 से 8.5% पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या देखेगा, दूध में पीला रंग किस कारण होता है, कैसीन, कैरोटीन, लैक्टोग्लोबिन, ए व बी दोनों। देख जो दूध में पीलापन है वह किसके कारण होता है, वो हमारे कैरोटीन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। और यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूध का पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखेगा, दूध में सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, कैसीन, कैरोटीन, लैक्टोग्लोबिन, एनलाबिन, क्या हो जाएगा। देखिए जो दूध का पीलापन है वो हमारे कैरोटीन के कारण होता है और दूध का सफ़ेद हमारे कैसीन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। जो कैसीन है उसके कारण दूध का सफ़ेद रंग होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, दूध में कौन सी प्रोटीन का पाचन होता है, कैसीन, लैक्टोएल्बुमिन, लैक्टोग्लोबिन, उपयुक्त सभी, क्या हो जाएगा। देखिए दूध में कौन सी प्रोटीन का पाचन होता है वो हमारे उपयुक्त सभी हो जाएगा सही आंसर। और ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या देखेगा, दूध में कौन सी प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। देखिए दूध में कौन सी प्रोटीन का पाचन नहीं होता है, वो हमारे एलास्टिबिन हो जाएगा सही आंसर, जिसका पाचन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेगा, दूध प्रोटीन की में कैसीन की मात्रा है वह कितने प्रतिशत पाई जाती है, 10%, 20%, 80%, 100%। देखिए दूध प्रोटीन में कैसीन की मात्रा है वह कितनी पाई जाती है, वो हमारे 80% पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेगा, दूध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है, पायस, कोलाइड, खोल, ए व बी दोनों। देखिए दूध में प्रोटीन है वह किस रूप में पाया जाता है, वो हमारे ए और बी दोनों हो जाएगा सही आंसर। जो दूध में प्रोटीन है वह हमारे पायस और कोलाइड दोनों रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। और दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपने सभी मित्रों को शेयर करें। और मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।